एवरीवन, कैसे हो सारे? होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी कोलकाता के बारे में, और काफ़ी डिमांड आ रहा था तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सेशन 2024-25 से रिलेटेड। और आपको बता दें इनका एडमिशन ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है। हालांकि अभी डेडलाइन अलॉट नहीं किया गया है, एक कोर्सेज का डेडलाइन अलॉट किया गया क्योंकि उनका एंट्रेंस होना बाकी है, तो उनका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। पर डेडलाइन मैं आपको बता देता हूँ, जो बीए मास कम्युनिकेशन वाला कोर्स होगा उनका डेडलाइन आपको 3 जून तक है। आप 3 जून तक अप्लाई कर सकते हो, उसका डिटेल मैं जल्द ही बना दूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। अगर सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी के लिए ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड होते होते वीडियो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला है। काफ़ी मैंने टाइम से इसको रिसर्च कर रहा था और काफ़ी डिटेल मैंने निकाल लिया है और पूरा प्रॉपर यहाँ पर डिटेल मिलेगा। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था प्रोसीजर से रिलेटेड, तो इस वीडियो में आपका पूरा सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो अप्लीकेशन फॉर्म भी ओपन हो चुका है, आपको बता देता हूँ। अभी डेडलाइन कोई अलॉट नहीं किया गया, ये ध्यान रखिएगा। बस मास कम्युनिकेशन वालों का 3 जून तक डेडलाइन अलॉट किया गया। थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे। छोटा सा, ज़्यादा नहीं, आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें तो ये इस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुआ था। काफ़ी न्यूली इस्टेब्लिशमेंट है, लगभग ये 7 साल हो चुके हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये कोएड कॉलेज नहीं, यूनिवर्सिटी है, सॉरी, यहाँ पर मैंने गलती से कॉलेज लिख दिया। तो ये यूनिवर्सिटी का एड्रेस है आपका एक्शन एरिया 3 बी न्यू टाउन एरिया में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोएड ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज नहीं है, ठीक है। ये कोई गलती से मेरा जो टाइपिंग हुआ है वो मिस्टेक हो गया, ये आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अब टॉपिक क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, आप थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। तो इसमें हम एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड बात करेंगे कि यहाँ पे एंट्रेंस बेस होता है या मेरिट बेस होता है, ठीक है। अप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाला है, अगर आप अप्लाई करोगे तो इनका अप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगा, और लास्ट डेट क्या है अप्लीकेशन का, कोर्सेज क्या क्या ऑफ़र किया जाता है, कोर्सेज का फ़ीस क्या रहने वाला है, क्लासेस की टाइमिंग क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। किसी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसका एलिजिबिलिटी जानना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि मेन पोर्शन हो जाता है। अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफ़िल नहीं करोगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। और भी जितने भी जानकारी होगी वीडियो के बीच बीच में हम लोग जान लेंगे, जो भी प्रॉपर जानकारी होगी आपके लिए हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वन बाय वन सारा चीज़ों को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जान लेते हैं कि यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। जितने भी कोर्सेज हैं बीए मास कम्युनिकेशन के छोड़ के, सारा कोर्सेज का मेरिट बेस आपका एडमिशन होगा, यानी क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन होने वाला है। और मास कम्युनिकेशन वालों का इंट्रेंस होगा, इंट्रेंस के बेसिस पे उनका सिलेक्शन होगा। अब उनका जो मास कम्युनिकेशन वालों का इंट्रेंस होगा वो मैं बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में, ठीक है। तो अप्लीकेशन फ़ीस जो रहने वाला है, जितने भी कोर्सेज के लिए अगर अप्लाई करोगे, ठीक है, जो भी कोर्सेज है तो उनके लिए 1000 रुपीज़ आपको देना होगा एज अप्लीकेशन फ़ीस। ये ध्यान रखिएगा, मैंने नोट में भी लिख लिया है, ये ध्यान रखिएगा जो अप्लीकेशन फ़ीस होते हैं वो रिफंडेबल नहीं होंगे। कोई भी आप अप्लीकेशन फ़ीस आप जमा करोगे ये नॉन रिफंडेबल होगी, यहाँ पे कोई रिफंड नहीं किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, आपका अप्लीकेशन फ़ीस रिफंड नहीं किया जाएगा किसी भी कारण से, किसी भी सिचुएशन में, ये ध्यान रखिएगा आप। अब कोर्सेज़ क्या क्या ऑफ़र किया जाता है ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स का कोर्सेज ऑफ़र किया जाता है, जो मॉर्निंग और डे शिफ्ट दोनों में करवाया जाता है। तो बीकॉम ऑनर्स के लिए अच्छी खासी सीटें हो जाती है, हालांकि कॉलेज के साइट पे सीटों का जो मैट्रिक्स है वो दिया नहीं गया है, ठीक है। तो सीटें तो ये लोग रिलीज नहीं करते हैं, पर अच्छी खासी सीटें रहने वाली है क्योंकि 2 शिफ्ट में चलता है और बीकॉम के लिए काफ़ी डिमांड रहता है। बीएमएस ऑनर्स, यहाँ पे भी बीएमएस ऑनर्स है। अगर जो लोग को सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस के लिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वहाँ पर एंट्रेंस है और यहाँ पर आपका जो रहेगा मेरिट बेस एडमिशन होगा, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बीए इंग्लिश ऑनर्स, यहाँ पे बीए इंग्लिश ऑनर्स के भी कोर्सेज है। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए मास कम्युनिकेशन ऑनर्स, बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, तो इतने आपके कोर्सेज मिलने वाले हैं। 6 कोर्सेज आपको ऑफर किया जाता है यूजी कोर्सेज से, तो आपको जिस कोर्सेज में आप एप्लीकेबल हो अप्लाई करने के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। लिमिटेड कोर्सेज है, ठीक है, तो काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं यहाँ पे, तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। तो कोर्सेज की फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग जान लेते हैं, और ये ध्यान रखिए ये जो जितने भी फीस हैं ये सेमेस्टर वाइज फ़ीस है। इसके अलावा कुछ एक्सपेंसेस और हैं, वो भी हम बता देंगे थोड़ी देर में। कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको और देने होते हैं।
तो अभी सेमेस्टर वाइज फीस समझ लीजिए, फिर थोड़ी देर में वो भी हम लोग बात करेंगे। तो बी कॉम ऑनर्स मॉर्निंग या डे जो भी शिफ्ट है उनका फीस आपको सेमेस्टर वाइज 58,000 देना होगा। बी एम एस ऑनर्स वालों के लिए सेमेस्टर वाइज 58,000, बी ए इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए 58,000 सेमेस्टर वाइज, बी ए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 58,000 सेमेस्टर वाइज, बी ए मास कम्युनिकेशन ऑनर्स के लिए यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर कोर्सेस यहाँ पे फीसेस ज़्यादा लगती हैं मास कम्युनिकेशन वालों के लिए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और यहाँ पे एंट्रेंस होता है। तो 66,700 आपको देना होगा सेमेस्टर वाइज। बी ए साइकोलॉजी ऑनर्स वालों के लिए 58,000 आपको रुपीज़ देना होगा, ठीक है। तो ये आपको फीस स्ट्रक्चर देना होगा। कुछ कंपोनेंट फीस स्ट्रक्चर आपको और एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वो हम लोग बात कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको एडमिशन फीस जो होगा, जब आपका मान लीजिए मेरिट में नाम आ जाएगा तो उसको 30,000 आपको एज अ एडमिशन फीस आपको देना होगा। ये फीस आपको जो सेमेस्टर का फीस मैंने बताया उसमें मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 58,000 फीस है तो आप 30,000 आप पेमेंट कर देते हो तो लगभग आपका 28,000 जो फीस रहता है वो आपको, वो लोग जब आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, जब ओरिएंटेशन खत्म हो जाएगा तो वो लोग कुछ टाइम देंगे, उस टाइम के बीच में आपको वो भी फीस आपको जमा करना पड़ेगा। पर जब आपका एडमिशन के लिए नाम आ जाएगा तो आपको फीस जमा करना होगा। अब वो लोग नोटिफिकेशन दे देंगे कि कैसे आपको जमा करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ऑनलाइन जमा करना पड़े, हो सकता है वो लोग ऑफलाइन भी बुला के आपको लें, पर एडमिशन फीस जब आपका नेम आ जाएगा तो 30,000 आपको देना होगा। ये ध्यान रखिएगा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी करना होता है, ये रिफंडेबल होता है, ठीक है। जब आप कॉलेज सॉरी यूनिवर्सिटी आप लिफ्ट करोगे तो वो आपको रिफंड कर देते हैं, तो आपको मतलब पहले ही 5,000 rupees और एक्स्ट्रा देना होगा। ये आपका सेमेस्टर में मैनेज नहीं होगा, ये आपको लास्ट में रिफंड ये लोग कर देंगे, ठीक है। तो 5,000 और एक्स्ट्रा आप लेके चलो, यानी 35,000 आपको देना होगा। और अलुमनाई मेंबरशिप फीस एक लगता है, ठीक है। तो सिक्स सेमेस्टर में आप जाओगे, छठे सेमेस्टर में वो बात की बात है, पर छठे सेमेस्टर में आप जाओगे तो 5,015 rupees आपको अलमुनाई मेंबरशिप फीस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इनका कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहने वाला है। एडमिशन फीस आपको 30,000 जब मेरिट में नाम आ जाएगा तब दीजिएगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 5,000 और जब अलमुनाई मेंबरशिप आपको देना होगा छठे सेमेस्टर में 5,015 rupees। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। तो यूनिवर्सिटी की क्लासेस की टाइमिंग के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि क्लासेस की टाइमिंग कब कब लगती है। तो बी कॉम ऑनर्स जो मॉर्निंग शिफ्ट है, यहाँ पे एक बी कॉम ऑनर्स का ही कोर्स है जो मॉर्निंग शिफ्ट में चलता है, तो सुबह 7 बजे से सुबह के 10:30 तक आपका क्लासेस चलने वाला है। और जो अदर कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, ठीक है, तो उनको एक एक्स्ट्रा टाइम ये लोग दे रखे हैं 10:30 से 12 बजे तक। तो 12 बजे तक आपको 10:30 से 12 बजे तक ये आपका एक्टिविटी टाइम कोई भी चीज़ें रहती है तो वो रहेगा, पर क्लासेस 7 बजे सुबह से 10:30 बजे सुबह तक रहेगा। और रेस्ट ऑफ ऑल कोर्सेज जितने भी कोर्सेज मैंने बताया है बी कॉम ऑनर्स मॉर्निंग में छोड़ के, उनके क्लासेस आपको सुबह में 11 बजे से लेके मतलब दोपहर के 3:40 तक आपकी क्लासेस लगेगी। और जितने भी अदर एक्टिविटीज़ होगी तो वो दोपहर के 3:40 से शाम के 5 बजे तक आपकी अदर एक्टिविटीज़ वाले ये लोग रिजर्व करके रखें। तो ये आपका क्लासेस की टाइमिंग होने वाली है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। चलिए अब एलिजिबिलिटी से आने से पहले कुछ चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं कि जब आप नंबर बेस्ड ऑफ 4 का आपका कैलकुलेशन यहाँ पे होता है, क्योंकि मेरिट बेस यहाँ पे एडमिशन होने वाला है, तो आपका जो जब आप सब्जेक्ट को आप डालिएगा तो उसमें कुछ सब्जेक्टों को आपको नहीं कैलकुलेट करना है एग्रीगेट में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनमें कौन कौन सा सब्जेक्ट को आपको एग्रीगेट कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो उनमें आपको इंक्लूड नहीं करना है। जैसे कौन कौन सा कोर्सेस है, जैसे एग्रीकल्चर का कोर्सेस है, ऑल डांसेस, ऑल म्यूजिक कोर्सेस, ऑल शॉर्ट हैंड कोर्सेस, ऑल टाइपोग्राफी कोर्सेस, ऑल वोकेशनल कोर्सेस एंड स्किल सब्जेक्ट्स, मॉड्यूल आर्ट एंड फाइन आर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कोर्सेस, इन्वायरमेंटल स्टडीज या साइंस या एजुकेशन, फैशन डिजाइनिंग, हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। इन इतने कोर्सेस हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये सामने जितने भी आपको कोर्सेज दिख रहे हैं तो इन कोर्सेज को आपको मेरिट लिस्ट जो एग्रीगेट आप कैलकुलेट कीजिएगा तो उनमें आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको अगर ऐड कीजिएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए आप जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आप इन सब्जेक्ट को आपको ऐड नहीं करना है अगर आपके पास है तो, ये ध्यान रखना आप। और ये भी ध्यान रखिएगा आप कि अगर क्लास 12th में आप इंग्लिश पढ़े होगे और आपको इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट पढ़ा रहना चाहिए, ठीक है, और 3 साल पहले के अगर आप पास आउट हो, 2021 से पहले के अगर पास आउट हो तो आप अलाउड नहीं होंगे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, एक वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म का सेपरेट बना रहा हूँ तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा। तो 3 साल पहले वाले जो पास आउट होंगे वो एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे सामने आप देख सकते हो, यानी बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट का आपको करना है और ऊपर जो आपको सब्जेक्ट मैंने बताया है उसको आपको नहीं इंक्लूड करना है, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि यहाँ पे जो साइट है ना वहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको पार्ट बाय पार्ट में समझाया जा रहा है।
ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने एक दो स्लाइड बनाया, फिर इसमें साइड पे आके आपको प्रॉपर बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही बताया जा रहा है, इसलिए जो जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से आप फॉलो करना, तभी आप अप्लाई करने आना। अगर पूरा डिटेल को आपको अच्छे से समझ लेना। अब चलिए बिना किसी देरी के साथ हम लोग एलिजिबिलिटी समझ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, आप एलिजिबिलिटी ध्यान से समझिएगा। तो बीकॉम ऑनर्स डे और मॉर्निंग के लिए सेम एलिजिबिलिटी रहने वाला है, ठीक है। तो आपको कंपलसरी सब्जेक्ट क्लास 12th में कौन सा चाहिए ये देख लीजिए, इंग्लिश चाहिए और उसके साथ मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स या अकाउंटेंसी। तो यहाँ पे सेंट जेवियर्स कॉलेज ऑटोनोमस जो कॉलेज था वहाँ पे मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी चाहिए था बीकॉम ऑनर्स के लिए। अगर आपके पास सेंट जेवियर्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे मैथमेटिक्स एज ए कंपलसरी नहीं चाहिए। आपके पास अकाउंटेंसी भी रहे तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ये आपके लिए अच्छा खासा गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो आप इंग्लिश प्लस अकाउंटेंसी आपको एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए आपको क्लास 12th में, ये ध्यान रखिएगा। अब एग्रीगेट कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इंग्लिश प्लस आपको जो भी अकाउंट्स होगा चाहे मैथ होगा या बिजनेस मैथमेटिक्स होगा उनको आपको जोड़ा जाएगा, प्लस दो सब्जेक्ट आपको करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो भी दो सब्जेक्ट आप कर सकते हो, कॉमर्स से हो तो एक बिजनेस स्टडी ले लो आप, एक इकोनॉमिक्स ले लो, हो जाएगा आपका। अब आपको परसेंटेज कितना चाहिए ये ध्यान रखिए, अगर आप मिनिमम मतलब रिक्वायर्ड है परसेंटेज, ये नहीं कि इतने परसेंटेज में आपका एडमिशन भी हो सकता है, ठीक है। इतना अगर आपके पास मतलब रहे तो आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। अब डिपेंड करता है मेरिट लिस्ट में कितना परसेंटेज से ये लोग कट ऑफ निकालते हैं, ठीक है। तो आपको 45% आपके पास एग्रीगेट रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 45% जो भी चार सब्जेक्ट अगर आप ले रहे हो तो वो चारों सब्जेक्ट में 45% रहना चाहिए, यानी एग्रीगेट यानी परसेंटेज क्लास 12 में 45% रहना चाहिए, 45% जो भी बेस्ट ऑफ 4 है उनमें रहना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब चलते हैं हम लोग बीएमएस वालों के लिए। तो बीएमएस वालों के लिए इंग्लिश और मैथमेटिक्स या बिजनेस मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या अकाउंटेंसी रहे तो आप एलिजिबल हो, यानी इसमें भी मैथमेटिक्स कंपलसरी नहीं है। आपके पास अकाउंटेंसी भी रहे तो आप एलिजिबल हो या मैथमेटिक्स भी रहे या तो एलिजिबल हो। तो कॉमर्स वाले अकाउंटेंसी ज़्यादा लेते हैं विदाउट मैथ तो आप एलिजिबल हो, साइंस वाले इंग्लिश विद मैथमेटिक्स लिए होंगे तो आप एलिजिबल होंगे। तो आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट मैथमेटिक्स वाले, आप अकाउंटेंसी वाले एलिजिबल हो सकते हो। आपके पास इंग्लिश और मैथमेटिक्स प्लस दो सब्जेक्ट आपको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। कॉमर्स हो तो बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स ले लो, हो गया। और एग्रीगेट कैसे होगा, आपका कितना परसेंटेज रहना चाहिए, तो 45% आपके पास एग्रीगेट परसेंटेज रहना चाहिए क्लास 12th में, और फोर्स जो चार सब्जेक्ट हैं उनमें पास रहना चाहिए, सिंपल। इसमें कोई परसेंटेज नहीं है, आप पास हो जाओगे तो आप एलिजिबल होगे। जो भी चार सब्जेक्ट अगर आप दे रहे हो बेस्ट ऑफ 4 में तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग दूसरे पे लेके चलते हैं, आप बीए इकोनॉमिक्स वालों के लिए हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट इंग्लिश और मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको एग्रीगेट इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स कोई रहे, उसके बाद दो सब्जेक्ट आपको एक्स्ट्रा आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको 45% जो एग्रीगेट रहना चाहिए क्लास 12th में, और बाकी जो सब्जेक्ट है जो चार सब्जेक्ट है उसको उसमें आपको पास रहना चाहिए तो आप एलिजिबल हो, ये ध्यान रखिएगा। अब इंडेक्स कैलकुलेशन कैसे होगा इनका, बाकी जो मैंने पहले बताया दो कोर्सेज का उनका तो क्लास 12th जो बताया उसी के बेसिस पे हो जाएगा। उसके बाद इसका एग्रीगेट का परसेंटेज ये लोग लेंगे और मैथमेटिक्स और एस्टेटिक्स को जोड़ेंगे, उसके बाद दो से ये लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका इंडेक्स कैलकुलेशन होने वाला है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना तो उसमें आपको इंडेक्स मार्क्स आपको दिख जाएगा, कितना आपका इंडेक्स मार्क्स आएगा। पोर्टल कुछ ऐसा मतलब काफ़ी ऑथेंटिक पोर्टल बना होगा, पोर्टल में जैसे ही डालोगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मार्क्स डालो सिंपल से आपको इंडेक्स कैलकुलेशन दिख जाएगा। बीए इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए सिंपल से आपको क्लास 12th में इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश हर चीज़ में आपको रिक्वायर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। एग्रीगेट इंग्लिश प्लस और जो भी तीन सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट कैसे मार्क्स होगा, तो 45% आपको एग्रीगेट रहना चाहिए और हर जो चार सब्जेक्ट है उसमें पास रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा अगर आप क्लास 12th में पास हो गए तभी आप एलिजिबल हो, कंपार्टमेंटल फेल स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये लोग कैसे करेंगे, तो आपको जो एक इंडेक्स कैलकुलेशन होगा एग्रीगेट का क्लास 12th का और इंग्लिश के मार्क्स को ये लोग सिलेक्शन प्रोसेस में ये लोग लेंगे, और इंडेक्स कैसे बनेगा एग्रीगेट लेंगे और इंग्लिश के मार्क्स को दो से डिवाइड, इंग्लिश के मार्क्स को जोड़ेंगे एग्रीगेट प्लस इंग्लिश के मार्क्स और दो से ये लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये लोग इंडेक्स कैलकुलेशन निकाल लेंगे आपका। बी ए साइकोलॉजी का देख लो, इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, इंग्लिश प्लस तीन सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा बेस्ट ऑफ 4 में, 45% आपको एग्रीगेट चाहिए और बाकी जितने भी चार सब्जेक्ट हैं आपको पास रहना चाहिए, ठीक है। ये क्लास 12th के बेसिस पे ये लोग आपका लिखा लेंगे आपका मेरिट।
अब आ जाइए आपका मास कम्युनिकेशन वालों के लिए, क्योंकि इनका एंट्रेंस है, ये ध्यान रखिएगा। इनका लास्ट डेट आपका जो रहने वाला है वो आपको 3 जून तक है। आप 3 जून से पहले आप अप्लाई कर सकते हो मास कम्युनिकेशन में आपको जाना है। तो इसमें इंग्लिश है जो कंपलसरी सब्जेक्ट, इंग्लिश प्लस एनी 3 सब्जेक्ट आपको रखना पड़ेगा। और आपको कितना परसेंटेज रिक्वायर्ड है ये जान लीजिए, 45% आपके पास एग्रीगेट रहना चाहिए क्लास 12 में परसेंटेज, और जितने भी 4 सब्जेक्ट है उनमें पास रहना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन आपका टोटली एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे होगा, कोई इसमें वेटेज नहीं दिया जाएगा क्लास 12 का। टोटली आपको जो मार्क्स इतना एलिजिबल हो जाओगे उसके बाद बस एलिजिबल हो गए, उसके बाद आपको जो 100 नंबर का एडमिशन टेस्ट होगा उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये ध्यान रखिएगा, कोई इसमें क्लास 12 का मार्क्स का वेटेज नहीं है, टोटली आपको एडमिशन टेस्ट का वेटेज दिया जाएगा। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मैंने सारा डिटेल आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, पूरा प्रॉपर डिटेल मैंने एक जगह इकट्ठा किया, काफ़ी टाइम लगा इसको करने के लिए, तब मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। बाकी आपको अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको अच्छे से समझना है, अगर आप अभी भी नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक जाइए, वहाँ से आप समझ लीजिए, आप 1.5x में भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये रहा पूरा डिटेल। अब इसमें मास कम्युनिकेशन वालों के लिए मैं एक प्रॉपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उनको समझाना है कि कैसे आपका इंट्रेंस होगा, कब इंट्रेंस होगा, उनका मेरिट कब आएगा, लास्ट डेट कब है, फर्स्ट मेरिट कब आएगा। ठीक है, उनका जो भी इंट्रेंस का सिलेबस है वो भी मुझे समझाना पड़ेगा अच्छे से, तो उनके लिए थोड़ा सा आप वेट कीजिए, मैं जल्दी बना दूंगा, थोड़ा मुझे भी समझ लेना है, फिर आपको भी अच्छे से समझा पाऊँ क्या। उसके बाद कैसे अप्लाई करना है एडमिशन फॉर्म, अप्लीकेशन फॉर्म, उसको भी मैं बता दूंगा। और बाकी जितने भी मास कम्युनिकेशन को छोड़ के कोर्सेज है उनका एंट्रेंस नहीं होता है, मेरिट बेस होगा, उनका अभी डेडलाइन नहीं आया, बस मास कम्युनिकेशन वालों के लिए 3 जून तक आया। चलिए गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कोई भी सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू।